सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था। आज 13 तारीख है और आज हमारा फर्स्ट इंटर्नशिप डे है। तो देखें कि आज क्या सीन होता है। अभी 7:30 बजे और मैंने मस्त नहा लिया है सुबह सुबह उठ के। अभी चाय नाश्ता करने जाना है और आज बोला है कि 10 बजे जाना है, तो फिर मैं 9 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा। और मतलब वहाँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मतलब होगी चीज़, तो मैं वहाँ तो शूट नहीं करने वाला, पर मतलब बाहर तक शूट करूँगा और आते वक्त बताऊँगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलो मिलते हैं बाद में, बाय। टेरेस पे और भाई अब से ये मेरी जगह होने वाली है, मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए। मतलब कभी कभी मतलब रात को यहीं पे बैठ के काम करूँगा लैपटॉप लेके। मस्त जगह है ना, एकदम शानदार। और मतलब पवन भी अच्छा आता है रात को, तो मज़ा आएगा काम करने में। ये देखो सुबह सुबह का नाश्ता यहाँ पे चाय नाश्ता होता है हमारा, मतलब खाना हमारा इधर ही होता है। चलने के लिए लेता हूँ चाय नाश्ता, दोस्त और छत और हवा, आए हाय क्या कॉम्बिनेशन है मस्त अभी। और यहाँ पे देखो इस साइड बारिश, मतलब तैयारी हो गई है बारिश की। बस आज वापस आने मिले तो सही है वही ना है तो सही है, मेरा तो फर्स्ट डे है इसलिए। A few moments later. So, अभी टाइमिंग हो चुकी है 9:15 बज चुके हैं। 10 बजे को मुझे बोला है जाने को, तो अभी पहले दिन है इसलिए मैं अभी रिक्शा में जाने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने जो पहले बोला था कि अहमदाबाद में जो साइकिल होती है तो वो यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वो मुझे बेनिफिट रहेगा। तो अभी पक्का नहीं है, पहले क्या मुझे पूछना पड़ेगा किसी से, मतलब कि सीन क्या है, मतलब कैसे, मतलब उसके चार्जेस और क्या है, तो वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसाइड करूँगा। तो अभी तो जा रहा हूँ स्वस्तिक, बोलते हैं ना चौकड़ी, यहाँ पे स्वस्तिक चौकड़ी वहाँ पे जा रहा हूँ। वहाँ से अभी रिक्शा में बैठ के एलडी कॉलेज जाऊँगा और वहाँ पे जाके देखूँगा अब जो ऑफिस कैसा है, पहला दिन कैसा रहेगा। मतलब आज ऐसा थोड़ा सीन है कि 80-20 है, मतलब 80% कॉन्फिडेंट मतलब एक्साइटमेंट है और 20% थोड़ा सा नर्वसनेस है कि मतलब क्या होगा। वैसे डर वर तो कुछ नहीं है पर एक्साइटमेंट ज़्यादा है, तो देखते हैं। अभी तो शायद सीधा शाम को मिलूँगा, अभी रिक्शा में जाऊँगा वो दिखाऊँगा शायद, उसके बाद डायरेक्ट शाम को मिलते हैं, फिर बताऊँगा कि मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आज खाने में तो मज़ा आ गया, वैसे मग का साग था और दाल भात, मतलब एकदम देसी खाना होता है इसलिए अच्छा है, वरना भाई हॉस्टल में जैसे मिलता है ना बहुत बिना टेस्ट के, ऐसा नहीं है, थोड़ा अच्छा है, तो मतलब मज़ा आ गया खाने में। और ऐसा है कि टिफ़िन भी ले जा सकते हो, पर टिफ़िन मेरे पास अभी है नहीं, तो देखेंगे टिफ़िन का क्या करूँ, करते कुछ धीरे धीरे, अब रहने आया तो होगा, सब कुछ होगा। चलो तो चलते हैं रिक्शे में अभी एलडी कॉलेज और बाद में देखते हैं क्या सीन है। बाय बाय। और ये है एलडी कॉलेज का मतलब शॉपिंग सेंटर, बाहर का शॉपिंग सेंटर। वहाँ पे सामने गेट है, उसके पीछे हमारी मतलब जो कंपनी है वहाँ पे, तो जा रहे हैं। ठीक है चलो मिलते हैं। 6.5 hours later A few moments later So, हमारी ऑफिस इसके अंदर है और ये जगह है आपकी, मतलब एलडी कॉलेज है ना उसके अंदर ये सब है। मस्त जगह, मज़ा आ गया भाई, मतलब मज़ा आ गया आज काम करके, मूड मस्त बन गया, आगे बताता हूँ बाद में। सुबह भाई लोग आज का दिन एकदम मस्त, मज़ा आ गया, ऑफिस में बैठे थे, अभी चल के जा ही रहा हूँ ऑफिस से, ऑफिस के बाहर से अभी आ ही रहा हूँ। और सच्ची में मज़ा आ गया, मतलब जो मुझे काम चाहिए था ना, मतलब सोच रहा था कि कभी बोर ना हो, बस वैसा काम है। वो बात अलग है, खाने के बाद थोड़ी नींद आती है, वो तो भाई सब जगह होता है, पर काम करने में मज़ा आ गया भाई। मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अरे आप प्लीज़ छोड़ दो सब नहीं करना, बस वही सोच रहा था अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब नया क्या करूँ, अब नया क्या करूँ, बस कंटिन्यू थिंकिंग चली रही थी भाई, मतलब मज़ा आ गया सच्ची में। तो मेरा टाइमिंग है 10 से 6 और अभी मतलब 6:30 या 7 बजने आसपास आए, और अभी अंधेरा इतना हुआ समझ नहीं आ रहा कि बादलों की वजह से हुआ है या सच में इतना अंधेरा हो गया है, पता नहीं, वरना इतना अंधेरा इतने बजे तो नहीं होता। कोई नहीं, अभी देख रहा हूँ कि चल के जाऊँ या रिक्शा में बैठ जाओ, आज सोच रहा हूँ, देखते हैं आगे दिखाऊँगा जो भी होगा।
अभी तो व्लॉग ख़त्म नहीं होगा, कल जैसा ना हो। मैंने 3 बार बोला व्लॉग ख़त्म करो ख़त्म करो, व्लॉग ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इसलिए देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। चलो अभी मैंने डिसाइड तो यही किया है कि अब चल के ही जाना है, क्यों वैसे भी जल्दी जाके भी क्या करने वाला है। मस्त आराम से भी आराम से घूमूंगा धीरे धीरे, मतलब 2 किलोमीटर है यहाँ से मेरी पीजी पर, मैं धीरे धीरे जाऊँगा। और हाँ बताना भूल गया, और जो अभी मुझे टास्क देने वाले हैं ध्रुवीन भाई, बाज बहुत अच्छे हैं बंदे, मतलब बहुत इंसान अच्छा है, मतलब आज आज बहुत अच्छी तरीके से बात की, समझाया मस्त बैठे बैठे, मज़ा आ गया उनके साथ भी, तो मतलब अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, और काम तो पता ही है बहुत अच्छा है। तो अब देखते हैं कि कैसा रहने वाला है पूरी जर्नी, जर्नी की शुरुआत तो हो चुकी है, देखेंगे। चलो अब आगे और कुछ होगा तो दिखाऊंगा, या कुछ याद आएगा तो बता दूंगा। अभी मस्त धीरे धीरे चल के जा रहा हूँ, शायद तो आधा घंटा शायद लग जाएगा, आधा घंटा, फिर भी देखते हैं जो भी हो देख लेंगे, और क्या। और लो ये मैं पहुँच भी गया अपनी पीजी पे, मतलब अगर बोलूँ तो वहाँ से कितना 25 से 30 मिनट का रास्ता है, वो भी मैं आराम से चल के आया तो भी 30 मिनट का रास्ता है 2 किलोमीटर, तो भाई सही है, मतलब चल के भी मैं जा सकता हूँ, इतना दिक्कत नहीं होता, तो अच्छी बात है। चलो तो शायद आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देगी, फिर ज़्यादा खींचूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो चलो बाय बाय टाटा, क्यों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। तो प्लीज सब सरा कबर सबर कराए सर सरा कब